Hey friends, welcome to my channel. I know you all guys are very excited to see today's video. I'm also very excited to make this video because it is very easy and quick recipe. So let's get started. So जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आज वेज चीज़ सैंडविच बनाने जा रही हूँ, आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा. So हमको बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, लाइक चीज़ स्लाइसेस, सम क्यूब्स ऑफ बटर and some slices of breads. So let's get started quickly. The very first step to make cheese sandwich is to melt the butter. Remove the butter now. When your butter is melted, you have to grease your breads with butter. तो जैसा कि आप देखते हैं मेरा बटर लग चुका है. अब हम इसके अंदर इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे, एक यहाँ पर एंड वन यहाँ पर. और अब इसको हमको बंद करना है. सो गाइस, जब मैं चीज़ सैंडविच बनाने जा रही हूँ, वो चीज़ सैंडविच में हम ग्रिलर में भी बना सकते हैं और हम सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों के पास सैंडविच मेकर्स और ग्रिलर्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो हम जिनके पास हैं वो बस उसके अंदर डाल दे, ग्रीस कर दे ऑयल के साथ और उसको दो तो 3 मिनट तक उसमें ग्रिल होने दीजिए. लेकिन जिनके पास नहीं है, मैं उनके लिए आज बनाने वाली हूँ. तो अभी हमारा पैन को हमको हॉट करना है, मैंने ऑन कर लिया है. अब ये जब तक गर्म हो रहा है, हमको इसको गर्म होने देना है और फिर हम इस पर चीज़ सैंडविच रेडी करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू ग्रीस योर पैन विद द मेल्टेड बटर. अब हम इस पर हमारा ब्रेड जो हमने चीज़ के साथ रेडी किया है वो रख देंगे. मैं इसको और अब हमें इसको जब तक चीज़ इसका मेल्ट हो रहा है, इसको मीडियम आंच पर ढककर हमें इसको पकाना है. सो गाइस, मैंने इसको फ्लिप कर दिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमको किसी भी सैंडविच मेकर या ग्रिलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. हमारा नॉनस्टिक पैन ही बहुत अच्छे से इसको ग्रिल कर देगा. मेरा चीज़ मेल्ट भी हो चुका है. अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए पकने दूँगी. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है. अब मैं इसको निकाल लूँगी. Let's place it. So now guys, my recipe are ready and you can serve this with any kind of chips or cupcakes. So please like, subscribe, share, comment if you like it.